ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को छप्पड़ पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कभी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर थ्री को लेकर चर्चा में है। टाइगर थ्री टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टारलाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित, सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी, तब अब्दुल रोजी ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमा घरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ओटीटी पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कभी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहाँ ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ओटीटी पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गई। अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब दूसरों में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कभी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है ओटीटी पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दू ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजी ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहाँ ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमा घरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जैसे बड़े स्टार है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दुल पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दुल हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहाँ ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ओटीटी पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गई। अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कभी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आप आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है ओटीटी पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर थ्री को लेकर चर्चा में है। टाइगर थ्री टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजी ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दू ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजी ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमा घरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जैसे बड़े स्टार है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दुल पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दुल हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने आंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहाँ ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक्स से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ओटीटी पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गई। अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब दो किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दुल शो में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहली वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसी उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कभी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमा घरों में सिमट कर रह गयी। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश डगुपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने नए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दुल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजिक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजिक ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दुल को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब शो में एंट्री भी करेंगे, लेकिन बतौर गेस्ट ना कि कंटेस्टेंट। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने तीसरे दिन छुड़ाया छक्का, ईद के बाद बम्पर हुई कमाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने रविवार को 56 पार कमाई की है। किसी का भाई किसी की जान की फीकी एडवांस बुकिंग और धीमी शुरुआत ने एक बार जरूर सलमान खान के फैंस को झटका दिया था, लेकिन धीरे धीरे ही सही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार तेज कर ली है। किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर रविवार को करीब 24.50 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही कमाई की जितनी शनिवार को हुई, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये आंकड़ा कतई निराश करने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 62 करोड़ कमा डाले हैं। कह सकते हैं फिल्म की वीकेंड पर हेल्दी कमाई हुई है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमि पेनेकर जैसी तमाम सितारों से सजी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि फिल्म को सीधे टिकट खिड़की पर फायदा मिल सकता है और फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस फिल्म को वीकेंड पर ईद का जबरदस्त फायदा मिला और ऐसा लग रहा है कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सलमान की इस फिल्म का जादू बरकरार रहने वाला है। वैसे जहां ये बनाता भी बहुत जरूरी है कि फिल्म को ना तो क्रिटिक से ज्यादा तारीफें मिली है और ना ही आम पब्लिक से। हालांकि सलमान के डाई हार्ड फैंस ईद पर अपने चहीते स्टार की फिल्म देखकर किसी भी तरह से बहुत ही खुश है। फिल्म की स्टार लाइन को क्रिटिक्स ने नापसंद किया और सोशल मीडिया पर एक्टर और उनकी इस फिल्म को खूब ट्रोल भी किया गया है। हालांकि ऐसे उम्मीद जाती जा रही है कि मेट्रो शहरों में नॉर्मल मंडे का असर रहेगा और उसका असर फिल्म की कमाई पर भी दिखेगा, इसलिए फिल्म की कमाई के कमी तो जरूर होगी। वहीं कुछ जगहों पर ईद से बेहतर भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईद पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने खूब कमाल दिखाया है। शुक्रवार 15.81 करोड़ रुपए, शनिवार 25.75 करोड़ रुपए और रविवार 26.61 करोड़ रुपए, कुल कमाई 68.17 करोड़ रुपए। हालांकि फिल्म का भविष्य अगले कुछ दिनों की कमाई पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अगले कुछ दिनों तक अपने अंकड़े को बरकरार रखती है तो इसका फायदा ये होगा कि फिल्म कुछ वीक तक सिनेमाघरों में रौनक बनाए रखेगी। हालांकि फिल्म जब पहले ही दिन रिलीज हुई तो लगा जैसे इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को बाजी पलट गई और किसी का भाई किसी की जान की कमाई में जबरदस्त उछाल आई। शनिवार और रविवार को हुई करीब 50 करोड़ से अधिक की कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने का हेल्दी मौका दे दिया है। बता दें कि फरहाद साजमी निर्देशित सलमान खान स्टारर इस फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, राघव जुवाल, जगपति बाबू के अलावा शहनाज गिल और पलक तिवारी जैसे नए कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान OTT पर दिखाएंगी कमाल, जाने कब और कहां दस्तक देगी मूवी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज हुई थी। मूवी का जमकर प्रमोशन किया गया, लेकिन फिल्म ने उम्मीद से कम की कमाई की। दर्शकों को फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया और कुछ ही हफ्तों में ये सिनेमाघरों में सिमट कर रह गई। अब ये OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इसे OTT पर देख सकते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आए। मूवी में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुवाल, भूमिका चावला और वेंकटेश जगपति जैसे बड़े स्टार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये G5 OTT प्लेटफॉर्म को 26 मई 2023 यानी आज से स्ट्रीम की जाएगी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे आज देख सकते हैं। आप देखना है OTT पर ये कमाल दिखा पाता है या नहीं। फरहाद सामजी ने निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पर औसत बिजनेस किया। भारत में इसने 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल लेवल पर कुल 175 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। बता दें कि इस फिल्म से सलमान खान ने 4 साल बाद बतौर लीड फिल्म में वापसी की है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इस साल रिलीज होने वाली है। सलमान और कैटरीना कैफ YRF जासूस ब्रह्मांड की 5वीं किश्ती में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। इसके अलावा वो बजरंगी भाईजान 2 भी फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी का भाई किसी की जान से क्यों हटाए गए अब्दुल रोजी के सीन, अब छोटे भाईजान ने किया खुलासा। ताजिकिस्तान के सिंगर अब्दुल रोजी को सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने अपने जिंदा दिल नेचर से सभी का दिल जीत लिया था। सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था। शो लॉन्च होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन जब 21 अप्रैल 2023 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब्दुल रोजिक ने इंटरव्यू में खुलासा किया किया कि सलमान खान की ईद रिलीज किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी। अब्दू ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म से उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दुल रोजी ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाहते थे और इसके लिए 4 दिनों की और जरूरत थी, लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर थे। नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट को घर के अंदर आने के बाद शो छोड़ने की अनुमति नहीं है। शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके कई म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं। उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। जब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी तब अब्दुल रोजी ने फैंस और पेपराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। बहरहाल खबर आ रही है कि अब्दू को रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है। अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट, ना कि कंटेस्टेंट।